नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लकवे के मरीज के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी क्या होती है। क्योंकि जब किसी को लकवा होता है तो कोई कहता है कि एक्यूप्रेशर करवा लो, कोई कहता है कि एक्यूपंचर करवा लो, कोई कहता है कि आप तेल की मालिश करवा लो, कोई कहता है कि आप इनकी जो है फिजियोथेरेपी करवाओ, और कोई कहता है कि आप ऑक्यूपेशन करवाओ। इतना सब कुछ हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और क्या सही है क्या गलत है, किससे फ़ायदा होगा किससे फ़ायदा नहीं होगा, ये जज कर पाना एक लकवे मरीज के लिए मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी को आज हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बेस्ट चीज़ क्या है जिससे उसमें तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा लकवे को समझने से कि लकवा होता ही क्यों है। तो लकवा कभी भी हाथ पैर का रोग नहीं होता कि आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। जब भी आपको लकवा हुआ है तो मेजर चांसेस ये होते हैं कि जो पैरालिसिस हुआ है वो आपके ब्रेन में क्लॉट या फिर ब्रेन के अंदर नस फटने की वजह से हुआ है। जब हमारे ब्रेन के अंदर जो खून की सप्लाई है वो रुक जाती है या ख़राब हो जाती है क्लॉट की वजह से या फटने की वजह से, तो दिमाग के हिस्से को खून नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता। और ब्लड में क्या होती है? ऑक्सीजन, खाना। अब एक हिस्से को अगर आप खाना ना दो, ऑक्सीजन ना दो, तो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा दिमाग का वो हिस्सा जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाया वो मर जाता है, मर गया। अब जो दिमाग का वो हिस्सा काम करता था वो भी बंद हो गया। अब दिमाग का हिस्सा वो क्या काम करता था? वो काम करता था आपके हाथ पैर को चलाने का। इसी वजह से जब ब्रेन में नुकसान हुआ और आपको दिक्कत कहाँ हुई? हाथ पैर के अंदर। अब दिमाग का हिस्सा वो मर चुका है, ख़राब नहीं हुआ। क्लॉट अगर वहाँ से निकल भी जाएगा कुछ टाइम के बाद तो भी हाथ पैर की जो फंक्शनिंग है वो वापस नहीं आ पाती। अब सवाल उठता है कि अब हम यहाँ से कैसे ठीक हों, कैसे अपने काम करने लायक बने। तो आपको ब्रेन को समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन आखिर में काम कैसे करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक आइंस्टाइन का ब्रेन था, एक हमारा ब्रेन है ना। सबका ब्रेन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लेता है। अपने आसपास देखो, आप जिस मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो सोचो किसी दिमाग ने इसको बनाया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, कितनी डेवलपमेंट हमारा ब्रेन कर सकता है। तो ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें कि इसकी बनावट कैसी होती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स वो तारे होती हैं जो हमारे ब्रेन को एक स्ट्रक्चर देती है और हमें इस लाइक बनाती है कि हम इस वीडियो को सुन सके, समझ सके, देख सके, राइट। ये जो न्यूरॉन्स हैं जब इनको डैमेज पहुंचा ब्लड ना पहुंचने की वजह से, तो अब क्या होता है कि समझ लो कि एक हाईवे ब्लॉक हो गया, एक रास्ता ब्लॉक हो गया। तो जैसे हम एक रास्ता ब्लॉक होता है तो कहते हैं हम घूम के चले जाते हैं ना, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स को डैमेज होने के बाद हम दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे सिग्नल से, दूसरे पार्ट से वो काम लेना शुरू करते हैं जो को नुकसान नहीं पहुंचा, जो हेल्दी हैं। ठीक है, अब इसको क्या है, दिक्कत क्या होती है कि जो हिस्सा पहले काम कर रहा था वो इसमें ट्रेंड था, जो नया हिस्सा है वो ट्रेंड नहीं है, उसने ये काम कभी पहले नहीं किया है, वो सीखेगा। अब आपकी उम्र है 30 साल, आपका ब्रेन आपको 30 साल से चलाता आ रहा था, है ना, उसने सीख रखा था। अब जो नया ब्रेन हमारा नया हिस्सा काम करने वाला है वो तो अभी अभी बस उसने काम करना शुरू किया है, उसको नहीं पता कैसे चलना है, तो अब हमने उसे ट्रेन करना है। अब ब्रेन कैसे सीखता है उसे समझने की ज़रूरत है। हमारा जो ब्रेन है वो एक काम को जब वो बार 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 करता है तो उसमें अच्छा होता चला जाता है, राइट। हम गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेलते रहेंगे तो स्कोर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हम उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको निकाल सकती है लकवे से वो है प्रैक्टिस, यानी एक काम को बार बार करना। तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि एक पैरालिसिस का पेशेंट, लकवे का पेशेंट 5 मिनट कोई एक्सरसाइज करेगा, 5 मिनट कोई एक्सरसाइज करेगा, 5 मिनट फिर कोई एक्सरसाइज करेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। और उसमें इम्प्रूवमेंट फिजियोथेरेपी लंबे टाइम तक करवाने के बावजूद भी वो पेशेंट दोबारा से चलने लायक, बोलने लायक, हाथ हिलाने लायक नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के एक हिस्से को हमने बहुत सब कुछ करवाया और वो किसी में भी अच्छा नहीं हो पाया। तो हमने क्या करना होता है, हमने एक एक्सरसाइज ऐसी लेनी होती है जिससे पेशेंट दोबारा से चलने लायक बन जाए, राइट। पैसे नहीं चल पा रहा तो दोबारा चलने लायक बनाना है, तो हमें एक एक्सरसाइज थी, सिर्फ एक, जिसको मैं बार 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 कर सकूँ। अब खुद सोचने की कोशिश करो कि जब मुझे चलने में अच्छा होना है तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट। आपने बिल्कुल सही सोचा और समझा कि अगर मुझे चलने में अच्छा होना है तो मुझे चलना ही पड़ेगा। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लूँ, वो जब मैं खड़ा हूँगा
वो किसी काम की नहीं होगी और वो आप देखते भी आ रहे हो। अगर आप अपने आप को नोटिस करो कि जब आप बेड पर लेट के कोई एक्सरसाइज करते हो उसमें आप अच्छे हो गए हो, मगर जब ऐसे ही आप खड़े होते हो और उसको यूज़ करना चाहते हो, अपने पैर को यूज़ करना चाहते हो, तो दिक्कत वही जो पहले 2-3 महीने पहले थी वही दोबारा से देखने को मिलती है कि हम नहीं चल पा रहे होते। बेड पे अच्छा किया, चलने में अच्छा नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मगर अगर आपने यही टाइम चलने पर दिया होता, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होते पैर को उठा के आगे रखने की, तो उसमें तो अच्छे हो चुके होते ना, जैसे आप बेड पर अच्छे हुए है ना। तो चलने के लिए चलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको पेशेंट का पैर घसीटना पड़े, धकेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर पेशेंट को चलाओ चलाओ और चलाओ, क्योंकि जितना वो चलेगा वो चलने में अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं अपने पूरे शरीर का वजन अपनी कमर से संभालते हैं, अपने पैर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जांघ की, अपनी जो थाई की मसल्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, नी हमारा बेंड होता है और हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। यानी जो एक्सरसाइज आप लेट के अलग अलग कर रहे थे वो सारी की सारी एक्सरसाइज एक ही सिंगल एक्सरसाइज में हो रही है। तो सबसे ज़रूरी हो गया चलना पैर के लिए। अब आते हैं हम हाथ पे कि हम हाथ के लिए क्या कर सकते हैं। तो हाथ भी इसी तरह से ठीक होता है। तो आपको ये सोचना है कि आपने ठीक होने के बाद क्या करना है, या ठीक बीमार पड़ने से पहले आप क्या करते थे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन थे, पेचकस का काम था, प्लास का काम था, तो आपको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ठीक होना चाहेंगे, हो जाएंगे, तो आप वही काम को दोबारा से करना पसंद करेंगे। तो जो भी काम हम बीमार होने से पहले करते थे उसी को ही हम बीमारी के अंदर भी करते रहते हैं, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, क्योंकि हमने उसी के में अंदर अच्छा होना है। पैर से आप कोई वो काम नहीं कर सकते, बट हाथ से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको वो काम जो आप करते आए हो वही करना है। अब एक मेल क्या कर सकता है, अब एक मेल घर के अंदर गमले लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। अब पौधे लेने के लिए वो पौधा लेगा, गमला लेगा, उसमें मिट्टी डालेगा, उसमें खाद डालेगा, उसको पानी देगा, तो ये सारे काम कहाँ से हो रहे हैं, हाथ से हो रहे हैं ना। तो ये जो गमले लगाने की जो हम एक्सरसाइज मान लो, आप इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी मान लो, बट ये पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। नॉर्मली लेडीज़ घर का काम करती हैं, तो आपने उनसे घर के ही काम करवाओ, सबके मत करवाओ, सिर्फ उनकी ही करवाओ। यानी अगर मैं सुबह उठा हूँ तो मैं खुद नहाऊंगा, खुद कपड़े पहनूंगा, ठीक है, खुद अपना बिस्तर फोल्ड करूंगा, उसे अलमारी में लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो हमने खाना खाया, जिन बर्तनों में हमने खाना खाया उनको धोना, कपड़े को धोना। तो ये जो हम डेली की जो रूटीन की एक्सरसाइज होती है, रूटीन की जो वर्क होते हैं, वो खुद में ही बहुत बड़ी एक्सरसाइज होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये हमें कभी भारी नहीं लगता। एक्सरसाइज कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद थक जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक है, पर जब रूटीन का काम करोगे तो उसमें कभी थकावट नहीं होती। तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पैरालिसिस पेशेंट की कम से कम आपने मदद करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप मदद करोगे उतना ही पेशेंट को आपने लकवाग्रस्त बना दिया, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की। जब आप उसकी मदद कम कर रहे हो तो वो खुद ब खुद कर रहा है, अपने आप ने हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, अपने पैंट पहनने की कोशिश कर रहा है, बटन बंद करने की कोशिश कर रहा है, कंघी कर रहा है, साबुन लगा रहा है, सब कुछ खुद ब खुद करने की कोशिश तो कर रहा है ना। और वही तो आप सभी को चाहिए था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये फिजियोथेरेपी नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। फिजियोथेरेपी मांसपेशियों के लिए होती है, मगर मांसपेशियां तो हमारी ठीक है, उनको कोई चोट ही नहीं पहुंची है, ना हड्डी टूटी, ना मांस फटा, राइट। प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में है, तो एक्सरसाइज किसकी होनी चाहिए, ब्रेन की। और ये ब्रेन की एक्सरसाइज को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो तो आपके लिए मस्त हो जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप जो अपने ब्रेन के लिए कर रहे हो, ब्रेन को जो ट्रेन कर रहे हो, ना कि अपने हाथ पैर पे, ब्रेन पे काम कर रहे हो, और यही सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की। अब पैरालिसिस के पेशेंट देखते हुए मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल के अंदर एक एक्सपीरियंस होता है, 5-6 साल के अंदर अगर आप इतने मरीज देख ले तो आप समझ जाते हो कि पेशेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर हम ये रोज़ ही काम करने की भी कोशिश करें तो हमारा ब्रेन कभी कभार रेडी नहीं होता सीखने के लिए। एक छोटा बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उसका ब्रेन बड़ा हो रहा होता है, सीख रहा होता है, तो वो सीखता चला जाता है, उसके लिए वहाँ पर डेवलपमेंट करना आसान है। मगर एक इंसान जो 30 साल का है, 40 साल का है, उसका ब्रेन बन चुका होता है, उसमें डेवलपमेंट बंद हो चुकी होती है। अब ऐसे पेशेंट के ब्रेन को किस तरह से बोलें कि आप चलो सीखना शुरू कर दो, तो
तो उसे थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, थोड़ी सी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, सही से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये गाइडेंस के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर जो साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स हैं, श्रेयास के डॉक्टर्स हैं जो पैरालिसिस देखते हैं, जो इतने साल से पैरालिसिस पेशेंट का ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, उनसे आपने बात करनी है। आप जब उनका बात मानेंगे चलेंगे तो वो आपको रिकवरी की तरफ लेके जाएंगे। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिलो, क्योंकि बिना मिले बिना जाने समझे कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिलो समझो, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। मेरा नाम जी आर शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है, तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई एक, अभी तो एक ही महीना हुआ है, एक महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है, हाँ पहले टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। आयुर्वेद की, हाँ डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने एक महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है और मैं आज दोबारा से एक महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जो पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे, तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद। कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है, आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी एक महीना हुआ है, बट एक महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज एक महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं, मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो यार, एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको।
तो आपने देखा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो पेशेंट है जो क्लिनिक पे विजिट करके गए, इनको भी मैंने वही चीज़ बताई जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा उनके ब्रेन को प्रिपेयर करना कि वो सीखना शुरू करें, उसके लिए जो थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती बस हमने वही हेल्प की थी और पेशेंट आज पहले से बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैरालिसिस पेशेंट को ठीक होना है तो उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई घर वाला मेहनत कर रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, आपका हाथ पकड़ के वो हिला रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अंदर से दम लगाना है। आपने अपने दिमाग से दम लगाना है कि मेरा हाथ चले, आपने अंदर से दम लगाना है कि आपका पैर चले, और यही मस्ट है हर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी लाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, और उसका आपने एविडेंस भी देखा, उसका प्रूफ भी देखा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नंबर्स नीचे ही हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप इसी के साथ आप सभी से भी चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Now you can share your reports with us via WhatsApp and get free consultation with our experts.